हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पोंगस्पैरो में। दोस्तों, आज मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हुआ था क्लर्क के लिए 28 अप्रैल 2019 को। दोस्तों, इस सोल्यूशन के साथ हम पूरी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दूं, ये 1.5 घंटे का एग्ज़ाम था और मैक्सिमम मार्क्स थे इसके 85, 85 मार्क्स थे और 85 ही क्वेश्चन थे। दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी 0.25 से। और दोस्तों, इसके आंसर की आयोग की साइट पर आ गई है। अगर आपने आंसर की अभी तक चेक नहीं की है तो प्लीज़ आयोग की साइट पर जाकर आंसर की से कंपेयर कर लें। अगर आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन ठीक है लेकिन आंसर की के अकॉर्डिंग गलत है, तो आप 6 मई से पहले, 6 मई 2019 से पहले उनका चैलेंज कर सकते हैं आयोग को लेटर भेजकर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये एग्ज़ाम। सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन थे, ये ए सीरीज थी। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर चॉइसेस, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन था, आई ब्लैंक माई असाइनमेंट बिफोर आई लेफ्ट द ऑफिस। दोस्तों, यहाँ पर हैड सबमिट आएगा क्योंकि हैड सबमिट पास्ट परफेक्ट टेंस है। जहाँ पर हैड सबमिट लिखा होगा उसके आगे का सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। दोस्तों, अगर आपने मेरी इंग्लिश की टेंसेस वाली वीडियो सुनी होती तो शायद आपका ये आंसर ठीक है होता। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इंस्ट्रक्शंस आर क्वाइट क्लियर। दोस्तों, मोर और फोर तो यहाँ पर आएगा नहीं, बात करते हैं क्वाइट और क्यूट। दोस्तों, क्यू यू आई टी ई, इसका मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर। और क्यू यू आई ई टी क्विट, इसका मतलब होता है शांत रहना। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ए ऑप्शन। मैनी ईयर ब्लैंक द गेम बट फेल्ड। दोस्तों, याद रखिएगा मैनी ईयर जहाँ भी यूज़ किया जाए, ये एडजेक्टिव का पार्ट है। मैनी ईयर जहाँ भी यूज़ किया जाए वहाँ पर हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन, मैन ट्राइड। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्लैंक अ ब्लू पेन आई हैव टू पेंसिल्स। दोस्तों, ओवर एंड एंड नहीं आएंगे, ए और डी ऑप्शन नहीं आएंगे। बात करते हैं बी और सी ऑप्शन की। दोस्तों, बी ऑप्शन बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, एंड बिसाइड का मतलब होता है के साइड में या के पास में। तो दोस्तों, यहाँ पर आएगा एक पेन के अलावा मेरे पास दो पेंसिलें भी हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा बी, बिसाइड्स, बिसाइड्स ब्लू पेन आई हैव टू पेंसिल्स। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, वन ऑफ द वर्कर्स ब्लैंक पुनिश्ड बाय द मैनेजर। दोस्तों, जैसे मैनी की बात की वैसे ही वन ऑफ द वर्कर्स है, मतलब कि वर्कर्स में से, कामगारों में से कोई एक कामगार है, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही आएगी या सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बर और आर नहीं आ सकते, प्रोबेबली नहीं आएगा। यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी, हैज बीन। सिक्स क्वेश्चन, आई थिंक आई ब्लैंक हर लास्ट संडे। आई सा हर लास्ट संडे, पास्ट टेंस यूज किया गया है। सेवंथ, ही गेव ब्लैंक, ही गेव मी सम एडवाइस। दोस्तों, ये इजी था, टीचर टोल्ड देम टू कीप क्वाइट। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, क्यू यू आई ई टी मतलब शांत रहना होता है। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंप्रिहेंशन पर, यहाँ पर हमें पैसेज पढ़ना था, 2 पेज का पैसेज है। इसको पढ़ने के बाद कुछ आंसर देने थे, तो ये इजी था, ये कोई भी कर लेता। 9th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन 11th क्वेश्चन 12th क्वेश्चन, ये सारे कंप्रिहेंसिव बेस थे। यहाँ पर एक वर्ड पूछा था, अपोजिट ऑफ इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव का अपोजिट, दोस्तों इनएक्सपेंसिव मतलब कि जो कम खर्चा करता है, यानी कि इकोनॉमिकल है, चीप है। और यहाँ पर बात करें तो लैविश इसका अपोजिट आएगा, क्योंकि लैविश होता है जो बिना मतलब का खर्च करता है। दोस्तों, वैसे ये क्वेश्चन भी कंप्रिहेंशन पर ही उठाया गया था। 15 टू
18 क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर तीन सेंटेंसेस दिए हैं जो गलत हैं, उनमें से हमें चौथा सेंटेंस जो ठीक है वो चूज करना था। चूज द करेक्ट। चार ऑप्शन दिए हैं, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू माइट पास, है डी यू वर्कड हार्ड यू कुड पास। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही था, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई विल टेल यू बट माई नाइम बट माई नेम इज, यही करेक्ट सेंटेंस था। बाकी के तीन ऑप्शन हैं जो आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें भी करेक्ट सेंटेंस चूज करना था जो था ए ऑप्शन में, इफ आई हैड अ मैजिक बैंड आई वुड फाइंड द सोल्यूशन। अगर मेरे पास मैजिक बैंड होता तो मैं इसका सोल्यूशन निकाल लेता। ए ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों ये एक्टिव एंड पैसिव से लिए गए हुए क्वेश्चन थे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर भी करेक्ट टेंस देखना था। मिस्टर सिंह टीचेस इन द क्लास राइट नो, ये इसका सही आंसर था। बाकी ऑप्शन दिए थे, मिस्टर सिंह टीच इन द क्लास राइट नो, मिस्टर सिंह इज टीचिंग इन द क्लास राइट नो। दोस्तों ये टेंसेस से उठाया गया क्वेश्चन था। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होती टेंसेस पे तो मैं उम्मीद करता कि आपका ये टेंसेस पे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ब्रीफ में और बड़े अच्छे से टेंसेस के बारे में समझाया गया है। अब बात करते हैं 19 से 22 तक क्वेश्चन, जिसमें हमें इनकरेक्ट चूज करना था। यहाँ पर क्वेश्चन में इनकरेक्ट चूज करना था, इससे पिछले वालों में करेक्ट चूज करना था। इसमें तीन सेंटेंसेस हैं जो ठीक हैं और एक इनकरेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट है वो है बी ऑप्शन, सी शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स बिफोर 2010। दोस्तों हैड के साथ हमेशा बीन आता है, हैड के साथ बीन का यूज़ कभी भी नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। 20 क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर भी इनकरेक्ट सेंटेंस देखना था। द मीटिंग हैड स्टार्टेड आफ्टर बी रीच्ड, मीटिंग हैड स्टार्टेड आफ्टर बी रीच्ड, ये वाला इनकरेक्ट था। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें डी ऑप्शन, इफ ही आस्क मी आई विल हेल्प हिम। अगर आपको लगता है कि आपके इसमें से आंसर कुछ और हैं और आयोग की तरफ से कुछ और आंसर दिए गए हैं तो आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। चूज द इनकोरेक्ट सेंटेंस। 22 क्वेश्चन, ही वाज लुकिंग मी एवरीवेयर, ये इनकोरेक्ट था। एंड बी सी डी ऑप्शन सारे करेक्ट हैं। 23 to 26, दोस्तों सिमिलियर वर्ड देखने थे, इससे मिलते जुलते वर्ड कौन से हैं। तो टेंटेटिव वर्ड का सिमिलियर होना था अनश्योर, जिसका श्योर नहीं है। कोलैटरल, इसका कोरस्पोंडिंग होता है फ्रूगल से। ट्रिफ्टी, शाई का। रेटिसेंट, RETICENT, सिमिलियर वर्ड है। आप ये दोस्तों प्लीज सिनोनिम और एंटोनिम नोट कर लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में ये हो सकता है रिपीट किए जाएं या किसी और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट था अपोजिट मीनिंग देखने थे। एंटोनिम, रिवक, REBUKE का एंटोनिम क्या होता है? एडमायर। दोस्तों अगर इसमें गैस लगाया जाता तो सी और डी ऑप्शन सेम है और ए ऑप्शन भी सिमिलियर है, तो इसलिए यहाँ पर आप कैसे लगा के भी कर सकते थे। चेरिश का होता है कंडेम। ओबियस का ऑब्सक्योर, यहाँ पर अपोजिट वर्ड देखे जा रहे हैं। रिडंडेंट, REDUNDANT, रिडंडेंट का करंट। आगे हिंदी। 31st क्वेश्चन, अल्प प्राण का उदाहरण है द, जैसे कि हम जानते हैं पहला तीसरा पांचवा और दूसरा और चौथे वर्णन अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं।
किन वर्णों के संयोग से बना है? क्ष क हलंत प्लस श प्लस अ, इनको मिला के बनता है क्ष। युवा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? युवावस्था, यौवन, युवक और युवराज। तो दोस्तों यहाँ पर यौवन आंसर है आएगा बी ऑप्शन। क्रांतिकारी शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है, जैसे सेना, कक्षा, ये सारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। कवि का स्त्रीलिंग कव यित्री, दोस्तों इसका उच्चारण देख लीजिए, कव यित्री, यह के साथ छोटे की मात्रा आती है। 36th क्वेश्चन, का के की पर सर्ग का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? दोस्तों ये संबंध कारक है, हम जानते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, अपादान से जुदाई। दोस्तों ये वो वाले ट्रेंड से लिख पूछे गए थे, से, जैसे ये पीछे बोला अपादान से जुदाई, तो से अपादान आएगा। वृक्ष पर कोयल बैठी है, बाकी अंश में कारक बताइए। तो दोस्तों ये पर अधिकरण है। हम किस प्रकार का सर्वनाम है? हम किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, हम जानते हैं सर्वनाम में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उसमें उत्तम पुरुष में हम भी आता है। अगर आपने सर्वनाम पढ़े होते तो ये जल्दी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाने थे। स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? दोस्तों स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। सॉरी, रसोई घर समस्त पद का विग्रह है। रसोई घर को हमने तोड़ के लिखना था, यानी कि रसोई घर का अर्थ होता है रसोई के लिए घर। जिस मास में प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। द्विगु समास यानी कि त्रिभवन, त्रिमूर्ति, नवरत्न, पंचरत्न, ये सारे द्विगु समास होते हैं। कर्मधारय समास के दोनों पदों में क्या संबंध होता है? दोस्तों इसमें ए और बी ऑप्शन दोनों सही थे, विशेषण विशेष्य और उपमान व उपमेय। यथाशक्ति समस्त पद में कौन सा समास है? अव्यय भाव, जहाँ पर यथा शब्द प्रयोग किया जाए वो हमेशा अव्यय भाव समास होते हैं। आज मैंने अधिक संतरे खा लिए, इसमें विशेषण पूछा था, विशेषण था परिमाणवाचक अनिश्चित का। अधिक संतरे खा लिए क्योंकि हमें संख्या का बोध नहीं था कि कितने संतरे खाए हैं। 46, प्रेमचंद हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार हैं, इसमें विशेषण पूछा था जो कि है गुणवाचक, श्रेष्ठ उनका गुण है। शुद्ध रूप कौन सा है? सन्यासी की वर्तनी पूछी थी, सो सन्यासी की वर्तनी बी ऑप्शन है। पीटी उषा, पीटी उषा बहुत तेज दौड़ी, इसमें क्रिया विशेषण के भेद पूछा था जो था परिमाण वाचक। बे लड़के दिन भर उधम मचाते रहे, यानी कि छोर मचाते रहे, इसमें क्रिया विशेषण आना था कालवाचक। कारावास का संधि विच्छेद होगा सी ऑप्शन, कारा प्लस आवास, कारा प्लस आवास, कारावास। पर्यावरण का संधि विच्छेद पूछा था जो होना था सी ऑप्शन, परि प्लस आवरण। घड़ों पानी ना पड़ना यानी कि शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना यानी कि डी ऑप्शन, लज्जित होना। कान भरना मुहावरे का अर्थ, चुगली करना, किसी के कान भरना यानी कि किसी की चुगली करना। 54, भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर जब गाती हैं तब सभी झूम उठते हैं। वाक्य में उद्देश्य, दोस्तों उद्देश्य को इंग्लिश में सब्जेक्ट और विधेय को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, या कर्ता और कर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पर भारत की सर्वश्रेष्ठ गायिका लता मंगेशकर सब्जेक्ट है और हिंदी में उद्देश्य इन्हें कहा जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी, लंका में आग लगा दी विदय है। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, अगर आपने थोड़े से पर्यायवाची भी पढ़े होते तो मतंग, गज और कुंजर हाथी के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन सारंग हाथी का पर्यायवाची नहीं है, बी ऑप्शन। विवाद में मौन रहना ही ठीक है, मौन का विलोम शब्द पूछा था, मौन का विलोम शब्द मुखर।
अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में उपसर्ग है अधि, सी ऑप्शन। वाह कैसा सुंदर दृश्य है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद विस्मयादि बोधक है। इंग्लिश में कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी, यानी कि जहाँ पर विस्मय का बोध हो, हैरानी का बोध हो, वहां पर विस्मयवाचक वाक्य प्रयोग किया जाता है। उसकी चोरी पकड़ी गई, कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, सी ऑप्शन। आगे जीके की बात करते हैं, तो इसने पूछा था डॉक्टर उमेश भारती को अभी पद्मश्री मिला था 2019 में, उनको पद्मश्री क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने रेबीज पर रिसर्च की थी। अमंग द फॉलोइंग विच विलेज ग्राम पंचायत हैज बीन चूजन बाई जेपी नड्डा अंडर संसद आदर्श ग्राम योजना? तो दोस्तों बहुत ही देहर इन सुंदरनगर ब्लॉक जो कि मंडी में है, डी ऑप्शन। इन द थर्ड फेस ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन 3 क्लस्टर हैव बीन एलोकेटेड टू एचपी ड्यूरिंग 2017-18, टू ऑफ देम मोरंग इन किन्नौर एंड गनहट्टी इन शिमला। तो तीसरा कौन था? तीसरा था सिहुंता जो कि चंबा में है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस बट इस सेक्स रेशो 974। नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को, बिच पॉलिटिकल पार्टी वाज फाउंडेड बाई जॉर्ज फर्नांडिस? इंडियाज फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्टी बनाई है समता पार्टी। फॉर विच वर्क बाज हिंदी फिक्शन कृष्णा सोबती को किसके लिए साहित्य अकादमी का अवार्ड दिया गया? जो उन्होंने 1980 में लिखा था उसका नाम था जिंदा गिनामा, जिंदा गिनामा। इन विच कंट्री डेवोस? दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यहाँ पर मीटिंग होती है हर वर्ष जनवरी माह में, और यह है स्विट्जरलैंड में। सिखिज्म के संस्थापक गुरु नानक देव, इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, ये नानकाना साहिब। 70 क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज जैंतिया ट्राइब मेनली फाउंड? दोस्तों जैंतिया ट्राइब मेघालय। बट डज द ओलंपिक मोटो सी टी एस एल टी एस फोर्टीएस मीन? सी टी एस एल टी एस फोर्टीएस मीन फास्टर हायर एंड स्ट्रोंगर, सी ऑप्शन। फास्टर हायर एंड स्ट्रोंगर। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्री हरिकोटा में है किस राज्य में है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है। विच प्लैनेट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ सी? रोमन गॉड ऑफ सी के नाम पर किस ग्रह का नाम पड़ा? वो था नेपच्यून। भारत में न्यायिक समीक्षा की जाती है, ऐसा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों उसका आंसर है अमेरिका, यूएसए, सी ऑप्शन। इन जियोग्राफी आइसोबार्स आर लाइंस ऑन मैप कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल? आइसोबार्स शब्द का प्रयोग जब इक्वल प्रेशर होते हैं तो किया जाता है, सी ऑप्शन, प्रेशर के लिए। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, ब्रॉन्ज किस किस का अलॉय है? कॉपर और टिन का अलॉय है ब्रॉन्ज। लैटिट्यूड्स आर लाइंस ऑन मैप और ग्लोब शोइंग द डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, ए ऑप्शन। बट आर द ऑर्गेनिजम्स विच फीड ओनली ऑन प्लांट्स कॉल्ड हर्बीवोरस? जो सदा पौधों पर ही निर्भर रहते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं। एनवायरमेंट में, एटमोसफेयर में ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन की मात्रा 78%, डी ऑप्शन। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इन स्पेस? यूरी गैगरिन। दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसमें पूछा था कि अंजलि 5 किलोमीटर सो जाती है, उसके बाद राइट टर्न लेती है यानी कि वेस्ट में जाती है, फिर वो 4 किलोमीटर चलती है, उसके बाद फिर से दाएं मुड़ती है, उसके बाद 2
किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है? तो उसका शुरू से लेके एंड पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना रहेगा? तो उसका आंसर आना था 5 किलोमीटर, डी ऑप्शन। ये रीजनिंग का क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन इजी थे, जल्दी से निकल जाने थे। एक सीरीज का क्वेश्चन था जिसमें ऑड वन को निकालना था, ए बी आर एल ए, बी जेड वी पी ई, एफ डी जेड टी आई, के आई ई बाई यू। इसमें से ऑड वन निकालना था जो था बी ऑप्शन, के आई ई बाई यू। 84th सर्कल वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर सी था 8। जिस तरह ब्लू इज रिलेटेड टू जोधपुर, देन बल्ड पिंक इज रिलेटेड टू जयपुर। वैसे ये सारा क्वेश्चन पेपर इजी था, बस यहाँ पर दिक्कत थी जो ग्रामर बहुत ज़्यादा पूछा गया था हिंदी और इंग्लिश का। अगर बात की जाए बाकी पेपर की तो बाकी इजी था। अगर किसी को इंग्लिश और हिंदी का ग्रामर पूरा आता था तो उसके लिए इस एग्ज़ाम में 60 to 70 marks लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। दोस्तों ये सारा पेपर आपको मेरी वेबसाइट www.pongsparrow.com पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी ये सारा पेपर पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।